जी हां, बर्फ में पसीना। बहुत स्वागत है आप सभी का R9 टीवी के इस खास पेशकश में। मैं हूं जब्बार खान। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुए डिफेंस एक्सपो का समापन हो चुका है और इस एक्सपो में एक से बढ़कर के एक हथियार और सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन हुआ। डिफेंस एक्सपो में सबसे ज्यादा चर्चा वैसे तो आर्टिलरी गन और शारंग तोप की रही, लेकिन इस एक्सपो में सियाचिन में तैनात जवानों का इकलौता मददगार एक खास सूट भी है। क्या है ये सूट और क्या है इसकी विशेषताएं, आइए समझते हैं। आए दिन दुनिया के सबसे ऊंचे रण क्षेत्र से शहीद जवानों के ताबूत दिल्ली पहुंचते हैं। सियाचिन में वीर सैनिकों के शौर्य पर बर्फ का तूफान अक्सर भारी पड़ जाता है। बर्फ के टीलों पर तैनात बहादुर फौजियों के बुलंद इरादों पर अक्सर हिमस्खलन हावी हो जाता है, मगर अब योद्धाओं के यश के आगे हिमदानव मौत की हिमाकत करने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। सैनिकों को हिम समाधि से बचाने के लिए सियाचिन से 1000 किलोमीटर दूर एक खास सूट तैयार किया गया है। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, ये सच साबित कर दिया है कानपुर के मैं श्रीवास्तव ने, जिन्होंने एक ऐसा सूट बनाया है जो लेह और सियाचिन की जानलेवा ठंडी से फौजियों को बचाएगी, -60 डिग्री सेल्सियस में भी फौजी को गर्मी का एहसास दिलाएगी। ये सूट मैं श्रीवास्तव ने बनाया है, जो कानपुर के पूर्व IITian हैं और डिफेंस उद्यमी हैं। देश के रक्षकों की रक्षा के लिए विशेष तौर पर IIT के पूर्व छात्र और डिफेंस उद्यमी मयंक श्रीवास्तव ने स्पेशल सूट को बनाया है। इसे पहली बार डिफेंस एक्सपो में पेश किया गया है। हमारे जवान जो सियाचिन ग्लेशियर में जो 15,000 से 20,000 स्क्वायर फीट एरिया के ऊपर रह रहे हैं, वो बेचारे बहुत तकलीफ के शिकार हैं, क्योंकि जो प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है, इंपोर्ट होने में इतनी तकलीफ है, इतनी दिक्कत है, वो प्रोडक्ट आते आते यहाँ पर 1.5 साल लग जाता है। ऐसी स्थिति में हमारे जवान जिसको जरूरत है इमिडिएटली, जो वहाँ पे बॉर्डर पे पोस्टेड हैं, ग्लेशियर में पोस्टेड हैं, उनको तुरंत जो जरूरत है, उस जरूरत को देखते हुए मैंने सूट को यहाँ पे डेवलप किया। सियाचिन में सैनिकों की रक्षा के लिए बने सूट को भारत सरकार अभी तक ऑस्ट्रिया, कनाडा, नीदरलैंड जैसे देशों से आयात करती थी। विदेशों से आयात होने वाले सूट की कीमत भी ज्यादा हुआ करती थी, मगर डिफेंस एक्सपो में पहली बार पेश किया गया ये खास सूट पूरी तरह से मेक इन इंडिया है और विदेशी सूटों के मुकाबले 83% तक सस्ता भी है। सूट आपने क्यों बनाया और क्या आपको जरूरत पड़ी कि भारत में ऐसे सूट बनने जरूरत है? देखिए, सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम लोग कुछ भी इम्पोर्ट कर रहे हैं तो निश्चित है कि अपना फंड, विदेशी पैसे को हम ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम इंडिया में बना रहे हैं, इंडियन असली प्रोडक्ट होगा तो हमारा विदेशी पैसा और विदेशी मुद्रा उस पर रोक लगेगी। इस कारण से सूट को डेवलप करने का एक इरादा यह भी था। डिफेंस उद्यमी मयंक श्रीवास्तव ने इस सूट को केवल 17,000 रुपए में तैयार किया। कि अगर हम सूट को बना के सप्लाई करना शुरू कर देंगे तो निश्चित है कि हमारे जवान को जल्दी से सूट मिलेगा। जो जवान एक सूट पहन रहे हैं 1 लाख रुपए का या 1.25 लाख रुपए का, वो जवान अब 10 जवान उसी अमाउंट को, उसी पैसे से जवान 10 जवान सूट पहनेंगे। सैनिक अब तक विदेशों में तैयार हुआ सूट ही पहना करते थे, बावजूद इसके हिमदानव उनके हौसलों पर हावी रहता। एक आंकड़े के मुताबिक अभी तक 1000 से ज्यादा सैनिक सियाचिन में ठंड की वजह से शहीद हो चुके हैं, मगर डिफेंस एक्सपो में तैनात एक्सट्रीम कोल्ड वेदर सूट -60 डिग्री में भी पसीने छुड़ाने के लिए काफी है। लेयर कौन कौन सी, क्या जो इसका बेस लेयर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इसका बेस लेयर जिसका -20 भी काम करता है, ये लाइक्रा इनबिल्ट पॉलिस्टर फैब्रिक है। ये इतना स्ट्रेचेबल है कि अभी तक जो भी साइज बनता था वो चाय साइज बनता था, अब ये यूनिवर्सल साइज का सूट है। इसको अंदर कोई भी जितना भी बॉडी कितना भी वो पहन लेगा, सक्सेसफुली रहेगा। इसकी जो गर्मी है, इसका सेकेंड लेयर है,
ये सेकेंड लेयर का काम है इंसुलेशन का काम करता है, कोई वार्म गर्मी को रोकता है। और जो थर्ड लेयर है इसका काम है विंड एंड वाटर प्रूफ, जो बाहर की ठंडी हवा, बाहर का पानी उसको ये रोकता है, और अंदर की जो पसीना निकलता है उसको ये ट्रांसप्लांट, मतलब बाहर करते हैं इसको, अपर लेयर पे ले आता है। यानी कि माइनस डिग्री सेल्सियस में ये पसीना छोड़ेगा? छोड़ेगा बिल्कुल, माइनस डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 60 पे ये सूट पसीना छोड़ेगा, ये बिल्कुल चरितार्थ। फिलहाल इस सूट का ट्रायल हो चुका है, रक्षकों की रक्षा करने और राजस्व बनाने के लिए शानदार इसे माना जा रहा है। डिफेंस एक्सपो में ये एक ऐसा सूट, यूनिक सूट बना है जो सच में भारतीय फौज में अगर आता है तो सरकार का जो राजस्व है वो तो बचाएगा ही, साथ ही साथ -60 डिग्री सेल्सियस में भी जवान को पसीना छुड़वाएगा। कैमरा पर्सन प्रियांश के साथ गगन मिश्रा, R9 TV, उत्तर प्रदेश।